मंगलवार को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के श्योपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कोटा जिले की सभी अंतर्राज्यीय सीमा को सील कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की घटना घटित ना हो। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण करण शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में मंगलवार को चुनाव है, इसके चलते राजस्थान सीमा में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी शराब की दुकानों को बंद रखा गया है। साथ ही अयाना क्षेत्र की सुरथाक व खातोली क्षेत्र में नदी पर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है ताकि असामाजिक तत्वों पर रोक लग सके। पुलिस अधीक्षक शर्मा ने आगे बताया कि पुलिस जाप्ता सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। जैसा कि आपको ध्यान है, श्योपुर एमपी के श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कल यानी 7 तारीख को चुनाव होना है। कल शाम से ही वहाँ पर चुनाव कि वो चुनाव करने का जो प्रचार करने की वो थी वो बंद हो गई है। तो हमने अपनी तरफ से सीमाएं सील कर दी हैं, जिसमें थाना खातोली, थाना अयाना और थाना इटावा का क्षेत्र श्योपुर से लगता है। इसके अलावा जो 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में आने वाली शराब की दुकानें हैं वो भी सील हो गई हैं। हम उनको भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरह की शराब की बिक्री ना हो उनमें, और यहाँ से किसी तरह का कोई भी चीज़ इस तरह से जो अवांछित है वो एमपी के नहीं जा पाए। तो उसके लिए हमने अयाना में सुरताग नाके पर और खातोली में नदी के पास जो नाका है वहाँ पर हमने